आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। फिटर एजोटिक क्वेश्चन के सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अब आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रेचेज प्रोड्यूस्ड ऑन फाइल्ड सरफेस, यानी कि किसी भी सरफेस की हम फाइलिंग कर रहे हैं तो उसकी सतह पर खरोच किस कारण बनती है? पिनिंग, ग्लेजिंग, फाइल बाइट या वार्पिंग? तो इसमें सही उत्तर है पिनिंग, यानी कि जो फाइल की पिनिंग होती है उसकी वजह से उसमें जो है स्क्रेचेज सतह पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस छेनी का नाम क्या है? यहाँ पे चित्र में जो है ये छेनी दिखाई गई है, इसका हमें नाम पूछ रहा है। इसके ऑप्शंस हैं सपाट छेनी, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसमें सही उत्तर है वेब चीजल। अगला क्वेश्चन है, व्हाई स्लाइट कन्वेक्सिटी इज गिविंग ऑन द फेस ऑफ हैमर, क्यों हथौड़े के फेस यानी कि चेहरे पर थोड़ी सी उत्तलता दी जाती है? इसके ऑप्शंस हैं प्रभावी चोट बनाने के लिए, किनारे की खुदाई से बचने के लिए, चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए या काम की सतह को नुकसान से रोकने के लिए। तो इसमें सही उत्तर है टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर, यहाँ पे चित्र में जो हैमर दिखाया गया है इसका नाम क्या है? इसमें ऑप्शंस हैं मैलेट, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसमें सही उत्तर है क्रॉस पिन हैमर, इसमें ऑप्शन सी जो है ये सही है। ये क्रॉस पिन इसलिए है क्योंकि इसका हैंडल इस डायरेक्शन में है और इसका जो पिन है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसीलिए क्रॉस पिन हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ चीबल चीजल एंड जॉब सरफेस व्हाइल चिपिंग, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण को क्या नाम देते हैं? रैक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? तो इसमें सही उत्तर है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग, धातु की वह प्रॉपर्टी या धातु का वह गुण जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है? टेनासिटी, हार्डनेस, ब्रिटिलनेस यानी कि भंगुरता या टफनेस? तो इसमें सही उत्तर है भंगुरता, यानी कि इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन माइक्रोमीटर, इस माइक्रोमीटर में जो कि डेप्थ माइक्रोमीटर है इसमें एक्स भाग के रूप में चिन्हित पार्ट का जो है नाम बताना है। ऑप्शंस हैं कैप, लॉक, स्टॉक या थिम्बल। तो इसमें सही उत्तर है लॉक, यानी कि इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किया जाता है? एलाइनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, स्ट्रेंथिंग के लिए या ग्रिपिंग के लिए? तो इसमें सही उत्तर है एलाइनिंग के लिए, इसमें ऑप्शन ए जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन का जो है चित्र दिखाया गया है। ऑप्शंस हैं पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन या रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इसमें सही उत्तर है पिलर ड्रिलिंग मशीन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर ब्रिटिश, यानी कि चित्र में एक ब्रिटिश माइक्रोमीटर दिखाया गया है, हमें इसकी रीडिंग पढ़कर बतानी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं माइक्रोमीटर में तीन रीडिंग होती है, हमारी जो यहाँ पे ऊपर रीडिंग होती है ये मेन स्केल की रीडिंग होती है, नीचे ये सब स्केल की रीडिंग होती है और ये हमारी थिम्बल स्केल की रीडिंग होती है। जो मेन स्केल की रीडिंग है इसमें एक भाग जो है हमारा 1/10 इंच के बराबर होता है, जिसको हम लोग 0.100 इंच से डिनोट करते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे एक भाग है ये होगा 0.100। इसी तरह नीचे वाला जो भाग होता है ये जो है चार भाग में डिवाइड है, यानी कि 0.100 को चार भाग में डिवाइड किया गया है, तो एक भाग हो जाता है इसका 0.025। इसी तरह ये वाला भाग जो होता है इसमें एक खाने का मान होता है 0.001। तो जब इसकी हम रीडिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें तीन जो है क्लियर दिख रहा है, तो इसकी रीडिंग हो जाएगी 0.300, यानी कि 0.100×3, तो 0.300। इसके बाद हमें एक भाग ये क्लियर दिख रहा है, तो इसकी एक भाग की रीडिंग हो जाएगी
0.0025। इसी तरह यहाँ पे 9 वाला मैच कर रहा है जिसका हो जाएगा 0.009 और पहले की हमारी रीडिंग है 0.300 तो ये आ जाएगा टोटल जोड़ेंगे 4.2133.334। इसमें ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है वर्नियर पेपर प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या होती है, 1 डिग्री 5 डिग्री 5 मिनट या 5 सेकेंड। तो इसमें सही उत्तर है 5 मिनट, ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे चित्र में एक वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है, इसकी रीडिंग हमें बतानी है। तो यहाँ पे ये हमारी मेन स्केल होती है, ये हमारी वर्नियर स्केल होती है। तो मेन स्केल पे 0 पहले देखेंगे कहाँ पे है, तो ये 35 और 36 के बीच में है, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग हो गई इसकी 35। इसके बाद हम लोग अब ये वर्नियर स्केल पढ़ेंगे, इसमें किस भाग पे ये मैच कर रहा है, तो ये हमारा 25 वाले भाग पे मैच कर रहा है। तो 25 भाग हो गया हमारा वर्नियर स्केल का, इसका अल्पतमांक होता है 0.02, तो इसकी कुल रीडिंग आ जाएगी 0.50। तो जब हम टोटल रीडिंग जोड़ेंगे तो ऊपर वाला है 35 मेन स्केल प्लस 0.50 तो आ जाएगा 35.50। इसमें ऑप्शन डी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन, यानी कि जो हमारी सरफेस प्लेट होती है वो अच्छी गुणवत्ता वाले तनाव रहित कास्ट आयरन की क्यों बनाए जाते हैं। टू प्रिवेंट करोजन यानी कि उसको जंग या क्षरण से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट ब्रिकिंग टूटने से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन विकृति को रोकने के लिए, या टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो इसमें ऑप्शन सही है सी, यानी कि विकृति को रोकने के लिए। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, समायोज्य समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है, विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, या विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा डी, यानी कि इसको विभिन्न ऊंचाई पे एडजस्ट करने के लिए जो है हमारा ये एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक हम लोग यूज करते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है, स्नग गाइड पिन रॉकर आर्म या फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, इसकी सहायता से एकदम एग्जैक्ट हाइट पे उसको हम लोग सेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ बी ब्लॉक, यहाँ पे जो बी ब्लॉक दिखाया गया है इसका हमें नाम बताना है। इसमें ऑप्शंस हैं बी ग्रुप्ड बी ब्लॉक, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक, डबल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक, या सिंगल लेवल डबल ग्रुप बी ब्लॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही जो है ग्रुप कटा हुआ है और एक ही इसमें जो है लेवल है, इसीलिए ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक कहलाएगा। इसमें ऑप्शन बी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट, चित्र में दिखाए गए कॉम्बिनेशन सेट में एक्स द्वारा मार्क किए गए पार्ट का नाम बताना है। ये हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्ट है, यहाँ पे एक्स बनाया, इसका हमें नाम बताना है। ऑप्शंस हैं रूल, स्क्राइबर, क्लैंप नट या स्प्रिट लेवल। तो जो इसमें सही उत्तर है वो है हमारा स्क्राइबर। व्हिच कैलिपर इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार्स, राउंड बार का सेंटर जो है निकालने के लिए हम लोग किस स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर। तो राउंड बार का निकालने के लिए हम लोग जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इसके 3 नाम है, जेनी कैलिपर, ऑडलेक कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड ए इन चीजल, छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम बताना है। तो यहाँ पे ए से चिन्हित कोण है, इसका हमें नाम बताना है। ऑप्शंस है रैक कोण, बेज कोण, कटिंग एंगल या निकासी कोण। तो इसमें सही उत्तर है क्लियरेंस एंगल। अगला क्वेश्चन है व्हिच चीजल इज यूज टू कटिंग ए कर्व्ड ग्रुप्स, घुमावदार ग्रुप को काटने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है, फ्लैट चीजल यानी कि फ्लैट छेनी, वेब चीजल, क्रॉस कट छेनी या हाफ राउंड नोज छेनी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा हाफ राउंड नोज छेनी, इसमें ऑप्शन डी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन कितना है, 200 ग्राम, 250 ग्राम,
300 ग्राम या 450 ग्राम। तो इसमें सही उत्तर है 250 ग्राम, इसमें ऑप्शन बी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगनल फाइलिंग, विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है, यानी कि अगर हम लोग डायगनल फाइलिंग कर रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं उससे क्या प्रभाव होगा। असमान फिनिश सतह, सतह पर स्क्रैच या खरोच, सतह पर उत्तलता यानी कि ऊपर नीचे, सतह पर सही फिनिश ना होना। तो जो इसमें सही उत्तर है वो है हमारा सतह पर असमान फिनिश, अनइवन सरफेस फिनिश, इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच चीजल इज यूज टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम द वेल्डेड ज्वाइंट एंड कास्टिंग, वेल्डेड ज्वाइंट यानी वेल्ड किए हुए ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु हटाने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसमें ऑप्शन है फ्लैट छेनी, वेब छेनी, क्रॉस कट छेनी या हाफ राउंड छेनी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है फ्लैट चीजल यानी कि फ्लैट छेनी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, यहाँ पे चित्र में जो फाइल दिखाई गई है हमें इसका नाम बताना है, रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, बैरेट फाइल या क्रॉसिंग फाइल। तो ये हमारी फाइल है रोटरी फाइल, इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई चाक इज अप्लाइड टू द फेस ऑफ फाइल, फेस के जो हमारे फाइल होती है, फाइल रेती, उसके फेस पे हम लोग चॉक क्यों लगाते हैं, अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए या पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो जो इसमें सही उत्तर है वो है हमारा पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है, मुलायम धातु को काटने के लिए, हार्ड स्पीड मेटल को काटने के लिए, हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए या कंड्यूट या अदर अन्य पतली ट्यूब्स जो होती हैं हमारी उनको काटने के लिए। तो जो इसमें सही उत्तर है वो है कंड्यूट या अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हम लोग फाइन पिच हेक्सा का प्रयोग करते हैं। कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 × 125, तो M10 × 125 का टैप ड्रिल की साइज की गणना करो। तो इसमें सही उत्तर है 8.8। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूइड्स इन ए ड्रिल, एक ड्रिल के फ्लूइड्स के बीच के भाग का क्या नाम है, लिप, वेब, पॉइंट या सैंग। तो इसमें सही उत्तर है वेब, ऑप्शन बी। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, यहाँ पे चित्र में वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर दिखाया गया है, हमें इसकी रीडिंग बतानी है। अब हम लोग इस वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो तीर के निशान दिखाए गए हैं, ये हमारा जो है मेन स्केल की रीडिंग है और ये हमारा जो है जो उसको सब डिवीज़न बनाए गए हैं उसकी रीडिंग है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि अगर ये वाला जीरो ही जीरो से मिलता तो हमारा 180 डिग्री का कोण बनता। अब हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि 180 डिग्री से पीछे की तरफ जा रहे हैं, कम है ये कोण। तो यहाँ पे 10 डिग्री कम हो गया, यहाँ पे 20 डिग्री कम हो गया और यहाँ पे 2 डिग्री और कम हो गया, 3 डिग्री। तो हो गया 180 − 23, तो हो गया 157। अब ये जीरो से जो ये मैच कर रहा है हम इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। तो ये यहाँ से 6 भाग है, 3 ये और 3 ये, 6 भाग हो गया। एक भाग का मान होता है 5 मिनट, क्योंकि इसका अल्पतमांक 5 मिनट होता है। तो 6 भाग का हो गया 30 मिनट। तो इसकी रीडिंग हो गई 157 °30". इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन मेजरिंग सरफेस, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। इसमें ऑप्शंस हैं एनविल, नोक, स्पिंडल लॉक या रैचेट स्टॉप। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है रैचेट स्टॉप। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेन स्लाइड, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा भाग मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट है, जॉ, बेस, बीम या जॉ क्लैंप। तो इसमें सही उत्तर है जॉ, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, स्लाइडिंग, स्क्रू एंड नट, रैक एंड पिनियन, वर्म एंड वर्म व्हील। तो इसमें सही उत्तर है स्क्रू एंड नट, इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है। जो अगला क्वेश्चन है वो है, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को हम लोग कैसे माप सकते हैं, लंबी स्लीव के द्वारा,
लंबी स्पिंडल के द्वारा या समायोज्य बेस के द्वारा या एक्सटेंशन रॉड के एक सेट द्वारा। तो इसमें सही उत्तर है वो है एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा जो है हम लोग एक्स्ट्रा लंबाई उससे नाप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है। यहाँ पे चित्र में जो है एक रीडिंग यहाँ दिखाई गई है, हमें इसकी रीडिंग जो है इंच माइक्रोमीटर में पढ़ के बतानी है। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले ये वाली रीडिंग पढ़ेंगे, फिर ये वाली रीडिंग पढ़ेंगे। इसकी रीडिंग में एक भाग जो है वो होता है 0.100। तो यहाँ पे सात भाग हमें क्लियर दिख रहा है, इसके बाद 0.5 वाली लाइन यानी कि सात के बाद भी हमें जो इन दोनों के बीच की लाइन होती है 0.50 वाली, वो वाली लाइन भी यहाँ पे दिख रही है। तो इसकी रीडिंग हो जाएगी 0.750, यानी कि सात भाग एक क्लियर दिख रहा है और आगे 0.50 की लाइन भी दिख रही है। तो 0.750 इसकी मेन स्केल की रीडिंग हो गई। फिर हमें एक भाग यहाँ पे और दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रीडिंग को नीचे चार भाग में बांटा गया है, इसलिए नीचे वाले की एक भाग की रीडिंग होती है 0.025 और ऊपर वाला भाग हो गया 0.750। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो भाग है कितने पे मैच कर रहा है, तो ये 12 नंबर पे मैच कर रहा है और इसकी एक भाग का जो रीडिंग होता है वो होता है 0.001। तो 12 भाग है तो हो जाएगा 12 × 12 हो जाएगा, दिया जाएगा 0.012। तो अब इसकी कुल रीडिंग पढ़ लेते हैं 0.750, 0.025, 0.012, तो आ जाएगा 0.787। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये वाला हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ बेबल प्रोटेक्टर कॉन्टेक्ट विद इंक्लाइंड सरफेस व्हाइल मेजरिंग। मापने के दौरान बेबल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कॉन्टेक्ट में होता है। इसमें ऑप्शन है डायल, डिस्क, ब्लेड या स्टॉप। तो जो इसमें सही उत्तर है वो है हमारा ब्लेड, इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला जो क्वेश्चन है ड्रिलिंग मशीन का कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है, फ्लैट पुली, जॉकी पुली, स्टेप पुली या फास्ट एंड लूज पुली। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है स्टेप्ड पुली, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमें नाम बताना है। तो इसमें जो है पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स भाग यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हमें नाम बताना है। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं टूल रेस्ट, आई सील्ड, व्हील गार्ड या ग्राइंडिंग व्हील। तो ये हमारा जो है कहलाता है टूल रेस्ट, इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम क्या है, हैंड फाइल, रेस्ट कट फाइल, सिंगल कट फाइल या कर्ब कट फाइल। तो इसमें सही उत्तर है रेस्प कट फाइल, इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटेड, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। स्पिंडल की क्षति, कठोर जबड़े की क्षति, फिक्स जबड़े की क्षति या मूवेबल जबड़े की क्षति। तो जब हम स्पिंडल को ज़्यादा टाइट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा जो होता है वो होता है हमारा स्पिंडल का नुकसान। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है, स्पिंडल का क्षति। अगला क्वेश्चन है कौन सा कैलीपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्राप्त करता है, यानी कि व्हिच कैलीपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशंस, इनसाइड कैलीपर, ऑड लेग कैलीपर, आउटसाइड कैलीपर या स्प्रिंग ज्वाइंट कैलीपर। तो इसमें सही उत्तर है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलीपर, इसके द्वारा जो है बहुत फाइन हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच मेटल कटिंग सॉ इज यूज टू कट द लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का प्रयोग किया जाता है, पावर सॉ, कंटूर सॉ, सर्कुलर सॉ या हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ। तो इसमें सही उत्तर है सर्कुलर सॉ, इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यह सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, अधिक कठोरता बनाए रखता है, सटीकता बनाए रखता है या थर्मल विस्तार को रोकता है। तो जो इसमें सही उत्तर है वो है या सेल्फ लुब्रिकेशन, इसमें जो है होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, इस गेज का हमें नाम बताना है। इसमें ऑप्शंस हैं बेबल गेज, एंगल गेज, सरफेस गेज या यूनिवर्सल बेबल गेज। तो इसका नाम है बेबल गेज। अगला क्वेश्चन है किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है, रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, बैरेट फाइल या रेस्प कट फाइल। तो जो इसमें सही उत्तर है वो है हमारी रोटरी फाइल।
अगला क्वेश्चन है, फाइलों के दांतों के बीच फंसी हुई दांत की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? ब्रश, वायर ब्रश, कॉपर स्ट्रिप या चाक पाउडर? तो इसमें ऑप्शन सही है सी, कॉपर स्ट्रिप। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क फॉर दैट रिक्वायर्स फाइलिंग और ड्रिलिंग? यानी छोटे छोटे कार्यों को जिसमें फाइल या ड्रिल की आवश्यकता होती है किस वाइस द्वारा पकड़ा जाता है? पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या टूल मेकर्स वाइस? तो इसमें सही उत्तर है टूल मेकर्स वाइस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच हेक्सा ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग अलोंग कर्व्ड लाइंस? यानी कि किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ कटिंग करने के लिए किया जाता है? HSS ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड या डायमंड ब्लेड? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि लचीला ब्लेड। अगला क्वेश्चन है, व्हिच चीजल यूज फॉर कटिंग की बेज? की बेज यानी कि कुंजी रास्तों को काटने के लिए किस प्रकार की चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं? फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, पंचिंग चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल? तो इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, यानी कि क्रॉस कट चीजल। अगला क्वेश्चन है, हथौड़े में चिन्हित भाग एक्स का नाम बताइए, पिन, फेस, चीक या हाई होल? तो इसमें सही उत्तर है पिन, ऑप्शन ए इसमें सही है। तो इस तरह हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए, अगले 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।